दोस्तों आज आपको रोहित शर्मा द्वारा लगाई गई सेंचुरी ज्यादा अच्छी लगी या फिर चहल द्वारा चटकाए गए 4 विकेट, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जी हम आपको बता दें कि आज साउथ अफ्रीका और भारत के बीच 8वां मुकाबला था, जिसमें भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीता। साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गंवा कर 227 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीता। लेकिन इस जीत के असली 2 खिलाड़ी हकदार रहे हैं, उनमें से एक है रोहित शर्मा और दूसरे हैं यजवेंद्र चहल। सबसे पहले हम यजवेंद्र चहल की बात करते हैं, तो चहल ने आज 10 ओवर डाले जिसमें उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए थे। जी हाँ, यजवेंद्र चहल ने 4 विकेट तो लिए, उसमें उन्होंने 51 रन भी दिए थे। लेकिन आज रोहित शर्मा ने भी काफ़ी शानदार पारी खेली और अपनी टीम को जिताने के लिए 122 रन बना डाले, जिसमें उन्होंने 144 बॉलों का सामना किया, 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से उन्होंने अपनी इस पारी को अंजाम दिया था। तो दोस्तों अगर आपको इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा खेली गई यह पारियां पसंद आई हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपको बता दें कि पहले मुकाबले में भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत कर अब वर्ल्ड कप में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है।